आओ बच्चों, आज हम इनसे मिलते हैं और इनकी बातें सुनते हैं। अरे टीनू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आरिफ, जब भी मैं सूरज और चांद तारों को देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं आसमान में पहुंचकर इन्हें पास से देखूं और इन्हें पकड़ लूं। मन करता है कि मैं वहां पर पहुंचकर देखूं कि आसमान में और क्या क्या चीजें हैं। आरिफ, क्या तुम्हारा मन कभी नहीं करता कि तुम भी चांद तारों को पास से देखो, इन्हें छूकर देखो? करता है ना टीनू? मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी आसमान में पहुंचूं और इन्हें छूकर देखूं। और हमारे ही जैसा एक और बच्चा है हलीम, वह तो यह सोचकर चांद तक पहुंच भी गया। सच में? हाँ टीनू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें हलीम नाम का बच्चा चांद को देखकर वहां जाने के बारे में सोचता है और फिर वह रॉकेट में बैठकर चांद पर पहुंच भी जाता है। पर वहां जाकर उसे कैसा लगा जानना चाहोगे? हाँ हाँ आरिफ, जरूर सुनाओ ना मुझे वो कहानी। हाँ टीनू, तो ध्यान से सुनो। मित्रों, आप भी हमारे साथ इस मजेदार कहानी को सुनो। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा, उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। फिर क्या हुआ आरिफ, क्या हलीम वापस लौट आया? अरे नहीं टीनू, सुनो तो आगे क्या होता है। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। अच्छा, चांद पर पहाड़ और गड्ढे हैं आरिफ? हाँ टीनू, आगे सुनो। फिर हलीम क्या किया होगा? अरे बताता हूँ। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापिस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। हाँ सही कहा आरिफ, हलीम ने बिल्कुल ठीक किया। मैं भी होती तो इसी तरह, जब वहां कोई नहीं होता तो मैं भी वापस आ जाती। तो बच्चों, कैसा लगा तुम्हें आरिफ और टीनू से मिलकर? मजा आया इनकी कहानी सुनकर? आओ अब इस कहानी को तुम मेरे साथ पढ़ो। यह कहानी तुम्हारे पुस्तक में है, पार्ट 18, हलीम चला चांद पर। देख रहे हो ना इस चित्र में, हलीम कुछ सोच रहा है और वो क्या बोलता है? हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा, उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो
वापिस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। बच्चों मजा आया ना इस कहानी को पढ़कर? अब तुम ये कहानी पढ़कर अपने घर के लोगों को भी सुनाना। ठीक है बच्चों, आओ अब इस पाठ से जुड़े हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। जैसे देखो तुम्हें क्या करना है, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है और उस पे सही का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, हलीम कहाँ जाना चाहता था। इसमें कौन कौन से विकल्प हैं? पहला है मेला, जंगल, पिकनिक, चांद पर। याद है ना इसका उत्तर? हलीम कहाँ जाना चाहता था? शाबाश, इसका सही विकल्प चौथा है, चांद पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हलीम चांद पर कैसे पहुंचा। इसके कौन कौन से विकल्प हैं? रेलगाड़ी में बैठकर, बस में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर या चौथा है रॉकेट में बैठकर। क्या है इसका सही विकल्प? शाबाश, इसका सही विकल्प है रॉकेट में बैठकर। अगला प्रश्न देखो, हलीम को डर क्यों लगने लगा। क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था, उसके दोस्त उसे डरा रहे थे। अगला विकल्प, वहां बहुत सारे जंगली जानवर थे। अगला विकल्प, वह रास्ता भूल गया था। याद है ना क्या है इसका उत्तर? हाँ सही कहा तुमने, इसका सही उत्तर है क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। अगला प्रश्न है, हलीम को चांद पर क्या क्या दिखा। कौन कौन से विकल्प हैं इसके? खूब सारे पशु पक्षी, खूब सारे बच्चे। अगला विकल्प, खूब सारे गड्ढे और पहाड़। अगला विकल्प, खूब सारे पेड़ पौधे। तो तुम्हें याद है ना हलीम को चांद पर क्या क्या दिखा था? इसका उत्तर है तीसरे नंबर का, हलीम को चांद पर खूब सारे गड्ढे और पहाड़ दिखा। बच्चों अगला प्रश्न है, रॉकेट का चित्र कौन सा है। देखो पहले विकल्प में हवाई जहाज का चित्र है, दूसरा विकल्प हेलीकॉप्टर का चित्र है, तीसरा विकल्प रॉकेट का है और चौथा विकल्प ट्रेन के चित्र का है। अब तुम तो पहचान ही गए होगे, इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, रॉकेट का चित्र है ना। ठीक है, आओ बच्चों अब हम एक गतिविधि करते हैं और गतिविधि में हम ये समझेंगे कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें चंद्र बिंदु लगी होती है और ऐसे और कौन से शब्द हैं जिनके ऊपर अनुस्वार रहता है। मैं इनको बोलने का अंतर भी तुम्हें समझाऊंगी और ये जब लिखे जाते हैं तो किस तरह से लिखे जाते हैं ये भी तुम्हें कुछ उदाहरण से दिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो देखो हम पहले चंद्रबिंदु को समझते हैं। अब यहाँ देखो, चांद, माँ, आँख, पांच, सांप और कांच, इन शब्दों में चंद्रबिंदु लगा हुआ है। चांद में देखो चा के ऊपर चंद्र बिंदु है। ठीक है बच्चों, जब इसको हम बोलते हैं तो थोड़ी हमारी आवाज नाक से आती है, जैसे बोलकर देखो मेरे साथ, चांद। ठीक है, माँ, हम जब बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा मुंह ज्यादा खुल रहा है और नाक की तरफ से आवाज बाहर आ रही है। ठीक, माँ है ना, आंख, पांच, सांप, कांच। अब इसी तरह से हम अनुस्वार वाले शब्द समझेंगे जिसको तुम देख सकते हो इन शब्दों में अनुस्वार लगा हुआ है, जैसे पंच, हंस, कंघी, बंदर, मंदिर, घंटी। ठीक है, अब पंच बोलने के समय सोचो कहां से आवाज आ रही है, बोलकर देखो, पंच है ना, पंच। इसमें नाक से थोड़ी ज्यादा हवा निकलती है और बोलते समय कैसा उच्चारण होता है, पन, चन, हन है ना। यहाँ पर जो प के ऊपर बिंदी जैसा दिख रहा है इसे अनुस्वार कहेंगे। ठीक है, हंस में ह के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब तुम्हें इस पाठ से कुछ जुड़े क्रिया कार्य करने होंगे जिसमें तुम्हें चंद्र बिंदु लगे हुए शब्दों में गोला लगाना है। अब देखो कौन कौन से शब्द हैं वो, रंग, हंसना, आँख,
अंगूर, संगीता, अंदर, सुंदर, कांच और मंजन। तुमने गतिविधि से समझा था ना कि चंद्रबिंदु कहाँ लगता है? हाँ, चंद्रबिंदु किसी अक्षर के ऊपर आधा गोला बनाकर एक छोटी सी बिंदी के रूप में दिखाई देता है। तो देखो यहाँ हंसना में ह के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। अब इस तरह से और भी शब्द तुम पहचानो और उन्हें चंद्रबिंदु देखकर गोला लगाओ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, गृह कार्य का अगला प्रश्न है, हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा उसकी एक सूची बनानी है। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण बता देती हूँ। जैसे हलीम जब चांद तक जा रहा था तो उसे बादल दिखा होगा, और सोचो उसे क्या क्या दिखा होगा और उसे यहाँ पर नीचे दिए गए सारणी में लिखो। गृह कार्य का अगला और मजेदार प्रश्न है, चांद और सूरज का चित्र बनाकर रंग भरो। इस काम में तो तुम्हें बहुत मजा आता है ना बच्चों? ठीक, तो ये चित्र बनाओ और घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है बच्चों, जल्दी ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे।